नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुरुषों के अंदर जो सीमन की क्वालिटी यानी वीर्य की जो क्वालिटी और क्वांटिटी खराब हो जाती है उसको ठीक करने के लिए हम लोग होम्योपैथी में ऐसे कौन कौन से जनरल मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग लाभ उठा सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड, मेरे पास आए दिन बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो सीमन की क्वालिटी है बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल पतला पानी जैसा हो चुका है। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो क्वांटिटी है बिल्कुल कम निकलता है। कोई पेशेंट अपना लैब रिपोर्ट के साथ आता है, वहाँ लिखा हुआ रहता है ऑलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया यानी कम शुक्राणु, एजोस्पर्मिया यानी नील शुक्राणु। हालांकि नील शुक्राणु का ट्रीटमेंट संभव नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के बाकी नील शुक्राणु का ट्रीटमेंट मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ऑलिगोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट का ऑलिगोस्पर्मिया का प्रॉब्लम ठीक किया है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले कि कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट अपना सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के साथ आते हैं जहाँ पर लिखा हुआ रहता है स्पर्म मोर्टिलिटी ठीक नहीं है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है, पस सेल है स्पर्म में, स्पर्म का हेड और जो टेल है वो ठीक नहीं है। तो कहने का मतलब जो शुक्राणु है वो हेल्दी शुक्राणु नहीं है, वो एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इन तमाम समस्याओं के लिए, हालांकि एजोस्पर्मिया को छोड़ के इन तमाम समस्याओं के लिए जो मैंने आपको बताया अभी, इन तमाम समस्याओं के भीतर जो कॉम्बिनेशन मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपका अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेरे ख्याल से आपका अंदर 2 से 3 महीने अगर आप लोग इस्तेमाल करेंगे जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ तो आपका अंदर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हमें मार्केट से कौन कौन सी मेडिसिन हमें लेके आना है। तो जो मेडिसिन का नाम है वो कुछ इस प्रकार है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेडिसिन नंबर 1 है अश्वगंधा मदर टिंचर, मेडिसिन नंबर 2 है जिनसिंग मदर टिंचर, मेडिसिन नंबर 3 है ट्रिबुलस टेरेस्टस मदर टिंचर। ये 3 मेडिसिन आप लोग मार्केट से लेके आइए, मदर टिंचर के फॉर्म में लेके आइए, 30-30 ml का लेके आइएगा। और जहाँ से मेडिसिन लेंगे उस शॉपकीपर को बोलिएगा कि मुझे 100 ml का खाली कंटेनर मुझे दे दीजिए, और उस कंटेनर को अच्छी तरह से पहले धो लीजिए, गर्म पानी से पहले धो लीजिए। धोने के बाद ये तीनों की तीनों मेडिसिन आप उस कंटेनर के अंदर डाल लीजिए। डालने के बाद उसको हिला के शेक करके उसको रख दीजिए, और इस कॉम्बिनेशन को आपको दिन में 3 टाइम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, एक बार दोपहर लंच के बाद, और एक बार रात को भोजन के बाद 10 बूंद करके आपको इस्तेमाल करना है, और 1/2 कप नॉर्मल पानी के साथ मिला के आपको पीना पड़ेगा। और लगातार आपको 3 महीना आपको उसी तरह से आपको ये कॉम्बिनेशन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगातार 3 महीना इसको इस्तेमाल करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका सीमन की जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी ख़राब हो चुका था उसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ चुका है। इसके अलावा जिन लोगों का स्पर्म की मोर्टिलिटी मॉर्फोलॉजी ख़राब थी या वहाँ पे पस सेल था, तो वो लोग अपना सीमन एनालिसिस एक रिपोर्ट निकाल लीजिए, और प्रीवियस रिपोर्ट के साथ इस वाली जो रिपोर्ट इस बार जो आप कराए हैं उसको आप कंपेयर करिए, आप देखिए कितना अच्छा आपका अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया होगा, आप देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, अगर आपका अंदर फ़ायदा होता है तो पूरी तरह जड़ से प्रॉब्लम को क्योर कर देगा। इन केस अगर आपका अंदर फ़ायदा नहीं होता या कम फ़ायदा होता है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप किसी एक अच्छी MD होम्योपैथ के पास से जाके अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट उनसे करवा लीजिए, साथ में ये कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करिए, तो फिर आप देख पाएंगे कि आपका प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है। क्योंकि जनरल मेडिसिन है, सबका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है इस कॉम्बिनेशन को 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ले सकते हैं किसी एक अच्छी MD होम्योपैथ के पास से जाके, साथ में इस कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल करिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट आपको आ जाएगा अपना ट्रीटमेंट में। सो माय डियर फ्रेंड, मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करना चाहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।